यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। आज बात करेंगे सड़क हादसों की। हरियाणा में लगातार हो रहे स्कूल बसों के हादसों को लेकर खबरें अभी तक ने हरियाणा के कुछ जिलों का जायजा लिया है और इस दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर हम तो हैरान हुए ही हैं और जब आप भी ये तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। कहीं पर वाहन में 15-15 बच्चे ठूस कर भरे जा रहे हैं तो कहीं पर स्कूल वाहन मिले हैं तो कहीं पर ओवर स्पीड चलते वाहनों का क्या ही कहना। क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जाते समय सुरक्षित तरीके से स्कूल में जाने और आने का सफर तय कर रहा है या आप अपने बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी करते हैं? हमारे सवालों में कई सवाल आपके भी हैं क्योंकि लगातार स्कूल की लापरवाही, प्रशासन की अनदेखी और सरकार की ढील की बदौलत बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी पर है आज की देश की आवाज। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में 26 अप्रैल को 13 बच्चों की मौत की चीखों पुकार को शायद कुछ स्कूल आज भी अनसुना कर रहे हैं। हिमाचल की एक खाई ने जिन 24 बच्चों को निगल लिया, उन 24 बच्चों के अभिभावकों के आंसू के सैलाब का पैसा कमाने वाले कुछ एक स्कूलों पर असर अभी दिखाई नहीं देता। इन शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है और उम्मीद भी है कि शायद इन शब्दों का असर लापरवाहियों को अंजाम देने वालों पर हो ही जाए क्योंकि अब सहन नहीं होता। अब ऐसी खबरें दिखाने से पहले रूह कांप जाती है, नन्ही नन्ही जान की मौत की रिपोर्ट को बनाते हुए गला सूख जाता है, हाथ काम करना बंद कर देते हैं और इस बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। जब 3 साल की एक मासूम की मौत की खबर सामने आई, मामला पहला नहीं है, मामला नया भी नहीं है और चिंता भी पुरानी है और डर आज भी बना हुआ है। ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। मंजर कैसा होगा अंदाजा लगाइए। मासूम का नाम कनिष्का था, मुस्कान हमेशा चेहरे पर रहती थी लेकिन अब इसी मुस्कान को याद कर कनिष्का के परिजन जिंदगी भर एक लापरवाही पर रोते रहेंगे। आज इन स्कूलों को भी ये मालूम है कि देश भर में प्राइवेट स्कूलों की बस और वैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके, लेकिन बावजूद इसके कुछ प्राइवेट स्कूल बच्चों की सुरक्षा को लेकर कतई गंभीर नजर नहीं आते और नन्हे नन्हे बच्चों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। करनाल की ये तस्वीरें आप देखिए, 6 सीट वाले ऑटो में 12 बच्चे सवार हैं। जब ये बच्चे ऑटो में नहीं आए तो ये बच्चे छत पर बिठा दिए जाते हैं। तो देखिए हरियाणा का भविष्य ऑटो की छत पर बैठकर स्कूल जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियस कितने बच्चे बिठा रखे हैं? 8-10-11 है। 8-10-11 है, इसमें आगे इतने चार की सीट है यार, कोई और थोड़ी ना है। अगर कोई हादसा हो गया तो? हादसा होगा हम बिल्कुल सावधानी से चलाते हैं, स्पीड में चलाते ही नहीं गाड़ी। अच्छा, कितने उम्र तक बच्चे बिठा रहे थे? 12-13 साल के हैं सर। इतना सब कुछ होता है आज नहीं रोजाना होता है और शिक्षा विभाग को दिखाई तक नहीं देता। सूचना भी समय समय पे आ रही है कि जो स्कूल बसें हैं वो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की फॉलो नहीं कर रही हैं, तो उसके तहत फिर मैंने मेरे यहाँ पे जितने भी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं ट्रांसपोर्ट में, उन सबको टारगेट दिया कि हर महीने कम से कम 10 स्कूल की सारी बसें वो चेक करेंगे, उनमें जो भी कमियाँ होंगी उनको ऑन द स्पॉट ही मौके पर नोटिस देंगे, उनके चालान करेंगे। शिक्षा विभाग के दावों का सच जानने के लिए हम चरखी दादरी भी पहुंचे। यहाँ स्कूल बस तो सलामत थी लेकिन नियम ताक पर रखे हुए थे, ना सीसीटीवी कैमरा, ना जीपीएस सिस्टम और ना ही आग से बचने के उपकरण। चलिए छोड़िए, दूसरी तस्वीर आप देखिए, स्कूल की ये वैन को देखिए। शायद इन्हें नहीं मालूम कि सरकार ने स्कूलों के लिए कोई नियम नाम की चीज भी बनाई है
8 सीटों वाली वैन में 20 से 25 बच्चे सवार हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं। ऐसा है कि सभी प्राइवेट स्कूल वालों को ये मैसेज हमने मेल के माध्यम से भिजवा रखा है कि किसी भी वाहन में जो सीटिंग है उससे ज़्यादा विद्यार्थियों को ना बिठाया जाए, और जब स्कूल लगता है तब भी मैं खुद पर्सनली रोड के ऊपर चेक करता हूँ। भले ही खंड शिक्षा अधिकारी ये दावा करते हो कि हम रोज जाते हैं, बच्चों की सुरक्षा को देखते हैं, लेकिन आज हम गए थे, हमने देखे हैं, बसों में तादाद से ज्यादा बच्चे भरे हुए हमने देखे, आपके बनाए हुए नियम ताक पर रखे हुए भी हमने देखे हैं। आपकी हिदायतें स्कूल मालिकों ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी है। किसी भी बच्चे की जिंदगी के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, जैसे हम देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ऐसी दुर्घटना किसी तरह की न हो, इसके लिए हम जो है सरकार के सभी आदेशों का पालन निरंतर कर रहे हैं और समय समय पर उसकी जाँच भी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के दावों की हकीकत हमारे सामने आ चुकी थी। ऑफिस में बैठी मैडम साहिबा बाहर की तस्वीरों से बेखबर है, तभी तो स्कूल में सारे नियमों के पालन की बातें कही जा रही हैं। स्कूल बसों की जांच के लिए साहब लोगों ने आदेश दिए हैं। चिंता कल की है, लेकिन आज की किसी को खबर तक नहीं। ना इन्होंने यूपी के कुशीनगर से कुछ सीखा और ना ही हिमाचल की झकझोर कर देने वाली घटना से, और ना ही सीखना चाहते हैं। सरकार के फैसलों को ठेंगा दिखाकर ये देखा जाता है कि स्कूल तमाम तरह के बहाने बनाकर पैसे लूटते हैं। पैसा लूटने के लिए निजी स्कूलों का नया बहाना भी आता है। स्कूलों में बिल्डिंग फंड के लिए चार्ज किया जाता है, एनुअल चार्ज दिया जाता है, कंप्यूटर चार्ज होता है, ये चार्ज वो चार्ज सभी तरह के चार्ज लगाए जाते हैं। बच्चों के परिवारों और अभिभावकों की परेशानियों को बढ़ा दिया जाता है। लीजिए, आप जितना मर्जी पैसा लीजिए, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम नन्हे मासूम की सुरक्षा की गारंटी तो आप दे दीजिए। हकीकत सामने है, पता नहीं शिक्षा विभाग और सरकारी सिस्टम को और कौन सी बड़ी लापरवाही का इंतजार है। यमुनानगर से पवन शारदा, करनाल से केसी आर्य और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जी हाँ, सड़क हादसे के बढ़ते ये आंकड़े बेहद ही चिंता का विषय है, और आज इसी पर बड़े सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं। ये बड़े अहम सवाल है जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं रुक रहे हैं सड़क हादसे, ये आज का बड़ा सवाल है। हाईवे पर क्यों नहीं लग रहे हैं रफ्तार पर लगाम क्यों नहीं लग रही है, ये भी बड़ा सवाल है। क्यों हाईवे पर चढ़ते वक्त वाहन चालक बेकाबू हो जाते हैं, आखिर कब तक इंसान के खून से ये सड़कें रंगती रहेंगी, और क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, ये आज के बड़े सवाल हैं। हादसों का शिकार हो रही है स्कूल की बसें, स्कूल संचालक क्यों नहीं बसों के नियमों को पूरा करते, आखिर क्यों नहीं रुक रहे हैं सड़क हादसे, ये आज का बड़ा सवाल है। और इसी के साथ हमारे पहले दर्शक कुलदीप करनाल से जुड़ गए हैं। कुलदीप, अपनी राय रखिए। हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ना हर रोज जो है, जब सुबह उठ के बच्चे बेचारे स्कूल जाते हैं और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना हो गई है जी। तो ये मैडम जी, ये नहीं है कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं है या कानून नहीं बना हुआ है, लेकिन सरकार को जो है ना सख्ती से, जो कानून है सख्ती से जो है उन स्कूलों के प्रति जो लापरवाही करते हैं उनके प्रति जो है सख्ती से पेश होना पड़ेगा। और मैडम जी, अभी आप एक आपकी चैनल में एक स्टोरी देख रहे थे, कुछ चल रहा था, ये विजुअल देख रहे थे जी। तो उसमें जो है, उसमें तो बच्चों को ऐसे भरा जा रहा है जैसे जो सामान ही भरते, वो जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां हैं, और वो कैसे स्कूल इनको अलो करते हैं जी। तो आप बताइए कैसे होगा, और स्कूल के जो बच्चों के जो अभिभावक है, जैसे पेरेंट्स है, उनको भी जो जागरूक होना पड़ेगा, स्कूल के प्रति कंप्लेंट करना पड़ेगी जी। जी बिल्कुल, आपका डर लाजमी है। आप जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो एक डर लगा रहता है कि कहीं कोई सड़क हादसा ना हो जाए, और अपनी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि किस तरह से बच्चों को लाद कर ले जाया जाता है, जहां पर एक गाड़ी में 8-10 बच्चे आने चाहिए, वहां पर 15 से लेकर 16-17 बच्चे भरे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है। चंडीगढ़ से ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, अपनी राय रखिए। जी हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो ट्रैफिक के नियम है जी, ये हम सबको सीरियसली लेना चाहिए इनको, जो हम नियम कुछ भी ट्रैफिक के बनते हैं जी। और अक्सर ये देखा गया है ट्रैफिक के सबसे ज्यादा नियम पढ़े लिखे लोग तोड़ते हैं जी, क्योंकि जो अनपढ़ आदमी है वो बेचारा रेड लाइट जब ग्रीन भी जाती है तब भी सड़क पार करने से डरता है
लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो हाथ दे देता है सामने गाड़ी को, उसको लगता है हाथ देने से गाड़ी अपने आप ही रुक जाएगी जी। तो मतलब जैसे एक बस सरकारी बस है उसमें कितनी सवारियां होती है, एक ड्राइवर हेडफोन लगा के गाड़ी चलाता है, जो मतलब बेसिक बेसिक ड्राइविंग के रूल्स है हम वो तोड़ने में लगे रहते हैं हमेशा ही। और जितने ड्राइविंग के रूल है ज्यादातर एजुकेटेड लोग तोड़ते हैं, तो हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमें समझदार बनना पड़ेगा, पढ़ा लिखा नहीं समझदार बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये सारी लापरवाही हम प्रशासन के ऊपर नहीं थोप सकते, इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है और हमें ट्रैफिक नियमों को जरूर फॉलो करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी हम प्रशासन के ऊपर भी नहीं थोप सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे अपने हाथ में भी होती हैं और उन्हें भी हम काबू में कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बस चालक हैं, जो ये गाड़ी चालक है, ये कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों को बेदर्दी से भरा जाता है ठूस ठूस कर, और ये सारी घटनाएं सिर्फ हरियाणा की नहीं बल्कि कुशीनगर में भी अभी हाल ही में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक वैन की टक्कर हो गई थी ट्रेन के साथ और वहां पर भी ड्राइवर ने लापरवाही बरती थी, कान में ईयरफोन लगाकर वो वैन को चला रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लापरवाही हमारी तरफ से भी बरती जा रही है, जिसके ऊपर लगाम लगाना हमारा खुद का काम है। और इसी के साथ प्रशासन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि कितने बच्चे भरकर लेकर जाए जा रहे हैं और कहां पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और देखा यह भी जाता है कि जब जगह जगह स्पीड को नोट करने के लिए जो गाड़ियां लगी रहती हैं उसको पार करते ही जैसे ही हाईवे आता है तो अपनी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि हाईवे पर वाहन जो हैं अधिकतर बेकाबू हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं, तो उन पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है, क्योंकि आपके घर का बच्चा भी या फिर आपके घर के आदमी भी कहीं ना कहीं जाते होंगे और इस तरह की कामना की जाती है कि किसी को ऐसे सड़क हादसों से रूबरू ना होना पड़े। आए दिन ऐसी घटनाएं आती रहती हैं कि जहां पर सड़क हादसों से कितनों की जान चली जाती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पिछले साल तकरीबन हर रोज 410 लोगों की मौत हो जाती है सड़क हादसों में। तो हिमाचल प्रदेश से सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अपनी राय रखिए। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। अब देखिए, ऐसे हादसे तो जो है ना जी, हर जगह हर स्टेट में होते रहते थे, वो हिमाचल है, हरियाणा है, अभी कल भी हमने देखा आपके टीवी पे यूपी का भी एक दिखा रहे थे स्कूल बस में, जिसमें 13-14 बच्चों की मौत भी हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक सरकार कोई ठोस नीति नहीं बनाती ना जी, जी। नियम तो बने हुए हैं, आरटीए डिपार्टमेंट भी है इसमें हर जगह पे, और जो है केवल एक विभाग नहीं है जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, कम से कम 5 से 6 विभाग जो है इन बसों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उनमें एडीसी है, एसडीएम है, आरटीए डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है ना, ऐसे 5-6 डिपार्टमेंट है, उसके बाद भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। स्कूल बस में हम लोग अपने बच्चे को भेजना हमारी मजबूरी होती है ताकि उनको जो है सही समय पर स्कूल पहुंचे टाइम से, और हमें सोचते हैं कि चलो स्कूल बस में बच्चा जा रहा है तो सुरक्षित पहुंचेगा, लेकिन जब इस प्रकार की लापरवाही होती है, कई बार ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं होता, स्कूल वाले जो कम पैसे देने के चक्कर में जो है ऐसे ड्राइवर भी रख लेते हैं जिनको पूरी तरह से बस भी नहीं चलानी आती है, अनट्रेंड स्टाफ होता है, तो मैं तो कहता हूँ कि सरकार को जो है ना ऐसे स्कूलों के खिलाफ पूरी तरह से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर जो सरकार की शर्त या नियमों को पूरा नहीं करता उनका तो बल्कि लाइसेंस भी जो है सरकार को कैंसिल करना चाहिए, तभी ये दूसरे स्कूल भी ऐसे सुधरेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब सरकार को भी जागना होगा। बहुत हो गया, ये सड़क हादसे बहुत ज्यादा हो गए हैं, कुशीनगर का हादसा लगा लीजिए या फिर हिमाचल में वो बस हादसा लगा लीजिए जिसमें 29 बच्चों की जान चली गई थी। तो ऐसे में सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों के प्रति कड़ा रवैया अपनाना चाहिए। तो इसी के साथ आज के बड़े सवाल लगातार आपसे पूछ रहे हैं, क्यों हाईवे पर चढ़ते ही गाड़ियां बेलगाम हो जाती हैं, आखिर कब तक इंसान के खून से सड़कें रंगने वाली हैं, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाती सरकार, क्यों हादसों का शिकार हो रही हैं स्कूल बसें, स्कूल संचालक बसों के नियमों को पूरा क्यों नहीं करते, ये आज के बड़े सवाल आपको बता रहे हैं, आखिर क्यों नहीं रुक रहे हैं सड़क हादसे। और इसी के साथ लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। आप इसके साथ अपनी राय के साथ समाधान भी दे सकते हैं, जिस तरह से पहले दर्शकों ने ये बताया कि सरकार को इसके ऊपर ठोस रवैया अपनाना चाहिए, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। और इसी के साथ हिसार से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, अपनी राय रखिए।
देखिए इसमें मेरी राय, खुद से पहले जो इंसान ड्राइव कर रहा है सबसे पहले तो उसको सोचना चाहिए, एक तो फोन पे चलते चलते कभी बात करते या गाने सुनना मतलब तो अपने मस्ती में झूमना, एक तो सबसे पहले तो इंसान की गलती है। दूसरा इसमें सरकार की ये बात है कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उसको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगा के जितना फोकस किया जाए कि मतलब इस पे लोगों के जितने बड़े जैसे चलान काटने वाला सिस्टम है, अगर लोगों के साथ जिस तरह से कंटिन्यू ऐसी एक्टिविटीयां करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जागते हैं। इसमें मतलब सरकार की भी थोड़ी बहुत गलती है और जितना इंसान की है उससे ज्यादा सरकार की नहीं है। इसमें लोगों को खुद को समझने की जरूरत है कि अपने लिए वो कितने प्रिपेयर है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकार ही इसमें पूरी तरह से दोषी नहीं है, इसके दोषी हम खुद भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। कई घरों के चिरागों को हम स्कूल लेकर जा रहे हैं, शिक्षा के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें खुद भी सावधानी बरतनी चाहिए। और रोहतक से राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। दुर्घटना से देरी भली, रखो हमेशा याद, इंसानों के मिलते नहीं कई स्पेयर पार्ट, एक पल की जल्दी कैसे ले लेती है प्राण, चले गए वो दुनिया से जिन्होंने करना था राष्ट्र निर्माण, बच्चे किसी के ना बिछड़े, सबकी आंख के तारे, श्रद्धा सुमन है अर्पित उनको जो है स्वर्ग सिधारे, चार दिन में हर दुर्घटना हम भूल ही जाते, जिम्मेदार दुर्घटना के जो पाक साफ बच जाते, स्कूल प्रशासन पर इसकी हो पूरी जिम्मेदारी, रिश्वत खाने वालों की तो मती गई है मारी। थैंक यू मैडम जी। बहुत खूब, ये पोएट्री क्या आपने लिखी है खुद? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्र का निर्माण करते हैं बच्चे कहीं ना कहीं, ये तो सच है। और इसी के साथ हमारी अगली कॉलर अमृतसर से राखी जुड़ गए हैं। राखी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैम, ये जो शासन प्रशासन खुद इस चीज के बेखबर है जी। जब कहीं कोई दुर्घटना इंडिया में हो जाती है ना किसी भी राज्य में, तब जाके थोड़ा सा बस ये करते हैं दो चार दिन के लिए ड्रामा, फिर वही हाल जी। तो मैडम इसके ऊपर इनको चाहिए, स्कूल प्रशासन को भी चाहिए कि सख्ती से काम करेंगे जी। प्राइवेट ऑटो होते हैं उसमें इतने बंदे पशुओं की तरह भरे होते हैं जो सब गलत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि ऐसे मुद्दे सिर्फ दो तीन दिन के लिए उठते हैं और प्रशासन की नॉलेज में भी ये मुद्दे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। और इसी के साथ हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरह से, वाकई सही शब्द आपने इस्तेमाल किया, कि जानवरों की तरह बच्चों को ठूसा जाता है, जितनी कैपेसिटी नहीं होती है उससे भी अधिक बच्चों को ठूसा जाता है, तो दुर्घटना होना लाजमी है। और सड़क हादसे की ये अस्थाई डेटा जो है लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। और इसी के ऊपर आज हमारे बड़े सवाल यही है कि क्या, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, क्यों हादसे की शिकार हो रही हैं स्कूल की बसें, और स्कूल संचालक क्यों बसों के नियमों को पूरा नहीं करते हैं, आखिर क्यों नहीं रुक रहे हैं सड़क हादसे, ये तमाम आज के बड़े सवाल हैं। तो आज के बड़े सवाल आपको बता रहे हैं, क्यों हादसों की शिकार हो रही हैं स्कूल की बसें, स्कूल संचालक क्यों नहीं नियमों को ठीक से फॉलो करते हैं, और आखिर कब तक सड़कें खून से रंगती रहेंगी, सड़क दुर्घटनाएं कब इन पर लगाम लगेगी, कब कोई ठोस कदम उठाएगा और कब ये सड़क दुर्घटनाएं बंद होगी। तो इसका जिम्मा न सिर्फ सरकार का है बल्कि कहीं ना कहीं लोगों का भी है। नियमों का उल्लंघन किया जाता है, कई बार चालान भी काटे जाते हैं, बावजूद इसके अगली बार फिर से वही गलती दोहराई जाती है और जिसके चलते सड़क हादसों का सामना करना पड़ता है। इन सड़क हादसों में किसी की कोख उजड़ जाती है तो किसी का सुहाग उजड़ जाता है और कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। और वाकई ही ये सड़क हादसे जो हो रहे हैं इनके आंकड़े थम नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के ऊपर और इसी के साथ श्याम सानी कैथल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम अपनी राय रखिए। मैडम जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, इनमें अपेक्षाकृत 25 की अगर सीट होती है तो
कम से कम उसमें 35-40 भर दिए जाते हैं जी, नंबर एक। और नंबर एक इनको या तो जल्दी होती है जी ड्राइवर को, और ड्राइवर को जल्दी होने की वजह से वो आप ताव नहीं देखता जी, या तो वो फर्जी लाइसेंस लेके चलता है, या लाइसेंस होता भी है तो उसके फेक लाइसेंस को भी चेक किया जाना चाहिए जी। स्कूल में जो स्कूल संचालक है उनको भी देखना चाहिए, 25 से लेके 35 ना भरे जाए जी, ना 40 भरे जाए, लिखे लिख दिया जाता पीछे भी ड्राइवर की लापरवाही से कृपया हमें संपर्क करें, वो बाद में गौर होती बिल्कुल एक निर्धारित संख्या होनी चाहिए कि इतने ही बच्चों को ले जाया जा सके। इसी के साथ कांगड़ा से राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश अपनी राय रखिए। हाँ मैडम जी, राजेश बोल रहा हूँ कांगड़ा से जी। मेरी राय ऐसी है कि सरकार मतलब जब भी ऐसी कोई दुर्घटनाएं होती हैं तब भी क्यों मतलब आखिर अधिकारी या सरकार जो उस पे नुकेल रखने की कोशिश करती है जी, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद मतलब वही ढाक के तीन पात वाली बात होती है जी। अब सरकार अब मतलब जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो सारे इसमें परेशान हो रहे हैं जी। और कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट स्कूल है वो मतलब जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है जी। और ना ही स्कूल वाले इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जी। कि मतलब जो बच्चे प्राइवेट बसों में जैसे प्राइवेट गाड़ियों में आ रहे हैं अब जो बंद हो रही हैं जी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा फैसला करे जिससे कि जो टैक्सियां हैं या परमिट जो बसों को दिए जाते हैं उन पे थोड़ा टैक्स घटा के, और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होनी चाहिए जी। स्कूल कभी भी मतलब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो मात्र जो परमिट देके गाड़ी वालों को जो गाड़ी डाल रहा है उसको गाड़ी देके मात्र अपनी इतिश्री कर रहा है जी। जो कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी हाल ही में चाहे नूरपुर की बात हो चाहे कहीं भी एक्सीडेंट हुए हो उस वक्त तो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे बिल्कुल सरकार और अपने साथ स्कूल वालों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, ये जिम्मेदारी सबको लेनी होगी और ऐसी लापरवाहियों से बचना होगा। तो इसी के साथ शिमला से परी हमारे साथ जुड़ गई है, परी अपनी राय रखिए। जी मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमेशा माना कि सरकार की बहुत गलती है, माना कि सरकार स्टेप्स नहीं ले रही है, पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि साथ ही साथ स्कूल की भी गलती है, साथ ही साथ पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स भी हर रोज देखते हैं कि बच्चे किस हालात में जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ओवरलोडेड होती है और इस वजह से टक्कर हो जाती है और इस वजह से बच्चे की ऐसे मौत हो जाती है। तो सबसे पहले पेरेंट्स जो घर से भेज रहे हैं वो ध्यान रखें, जो स्कूल वाले इतने बच्चों को एक ही बस के अंदर भेज रहे हैं वो ध्यान रखें, उसके बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले। हम हमेशा एक इस चीज के लिए गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते जी। अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दिल्ली से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित अपनी राय रखिए। हेलो जी। जी मैम, मैं कितनी देर से आपके टेलीविजन मतलब ये स्क्रीन पे देख रहा हूँ जी विजुअल, इसमें ट्रैफिक पुलिस भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक जिम्मेदार है जी। क्यों? क्योंकि सरकार जवाबदेही होती है, शिक्षा विभाग जवाबदेही होता है, केवल प्रशासन आश्वासन देने के लिए थोड़ी ना है। आप एक जिम्मेदार चैनल है, इस मुद्दे को बार बार उठाइए जी। जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज को हर जगह पहुंचाएंगे, आपकी आवाज को हर कोई सुन रहा है इस वक्त। और इसी के साथ हर बार ऐसा ही क्यों होता है जी? बिल्कुल, कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है और सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए, न सिर्फ सरकार को, न सिर्फ स्कूल प्रबंधक को, बल्कि पूरे समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की लापरवाही को न बरता जाए। और सड़क दुर्घटनाओं की ये बढ़ते आंकड़े वाकई में चिंताजनक है। फिलहाल नमस्कार।